आरजू काजमी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, रैशनल बातें करती हैं, सीमा के उस पार हैं और जाहिर है पाकिस्तान में रहती हैं तो पाकिस्तान के साथ जुड़ी हुई इनके बातें हैं, लेकिन फिर भी तथ्यात्मक बातें कहती हैं। और इस बात की भी राहत है मुझको आरजू जी कि आप सीमा के उस पार हैं, आप न्यूज एंकरिंग बहुत अच्छी करती हैं, कॉम्पिटिशन टफ दे सकती थी। लेकिन एक बात मैं ये जानना चाहता हूँ आरजू जी कि ये क्यों ऑपरेशन परिंदा, आप एक तरफ अमन की बातें कर रहे हैं, फाख्ते उड़ाना चाहिए अमन के, तो परिंदा ऑपरेशन परिंदा अंजाम दिया जा रहा है। नहीं देखिए सर, मुझे ऐसा नहीं लगता कि पाकिस्तान इस वक्त कोई भी इस तरह की बात या इस तरह की हरकत करेगा। आप अभी आपके सारे पैनलिस्ट यही बात कर रहे थे कि इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है, कुछ नहीं पता। दोनों कंट्रीज में, चाहे पाकिस्तान हो या भारत, दोनों जगह इमोशनल लोग रहते हैं और बगैर किसी बात के एक दूसरे के ऊपर नाम रख देते हैं। पाकिस्तान में भी यही होता है, अगर किसी किस्म का कोई अटैक हो जाए, कोई बात हो जाए, तो हम सबसे पहले भारत का नाम लेते हैं बगैर इन्वेस्टिगेशन के। और यही चीज़ भारत करता है कि जहाँ कुछ हुआ पता है नहीं आपको क्या हुआ है, कहां किसने भेजा वो ड्रोन। लेकिन 3 दिन हो गए हैं आप लोग मुसलसल पाकिस्तान का नाम लगा रहे हैं, पहले इन्वेस्टिगेशन तो कंप्लीट करें। आपको पता तो हो बहुत सी ऐसे मोमेंट्स हैं जो पाकिस्तान के अंदर चल रहे होते हैं पाकिस्तान के खिलाफ, इसी तरह से भारत के अंदर। ये जो मामला है, एक सेकंड में आपको रोक रहा हूं, मैं आपकी जानकारी में कुछ फैक्ट्स लाना चाहता हूं। ड्रोन्स को इस तरफ भेजने के मामले, वो ड्रग भेजने के लिए इस्तेमाल किया गया हो, हथियार भेजने के लिए, आईईडी भेजने के लिए इस्तेमाल किया गया हो, या इस बार अटैक के लिए, ये पहली बार नहीं हुआ है। 5 अगस्त 2019 के बाद से 300 बार ड्रोन्स भेजे गए हैं इधर, और वो जो रंगीन कबूतर भेजे जाते हैं वो तो खैर है ही। इसके बाद आप क्या क्या मतलब, इसके बाद भी आप चाहती हैं कि चर्चा ना हो? नहीं बिल्कुल, आप चर्चा करें, लेकिन आप पहले इन्वेस्टिगेशन तो करें। आप यानी एक ऐसी चीज़ के ऊपर आप बात कर रहे हैं जिसका आपको खुद कंफर्मेशन नहीं है कि किसने किया है। आपके अपने कश्मीर में जो है, जो वहाँ के लीडर्स हैं वो खुश नहीं है। अभी रिसेंटली जो मीटिंग हुई थी मोदी जी से, उसके बाद बाहर निकल के जो कुछ बातें हुई हैं, आपके टीवी चैनल्स पे आप चेक कर सकते हैं। मैं भी इंडियन टीवी चैनल्स देखती रहती हूं और मुझे मालूम है किस तरह की स्टेटमेंट सारी होती है वहां के कश्मीर लोगों की तरफ से। तो बगैर इन्वेस्टिगेशन के और बगैर आपको पता है इस मामले में गिरफ्तारी भी हो चुकी है। 22 साल के एक लड़के को पकड़ा गया है जिसके पास से एक्सप्लोजिव भी मिला है, और उसने ये बताया है कि ये किस तरीके से हुआ। ऐसा नहीं कि हम हवा में बातें कर रहे हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।